शुरू करता हूँ सर आपका नाम लेकर जो कि नहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट को अपनी हिफाजत के अंदर रखें। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, आज जो है वो वजारत तलीम जितने भी उनकी मीटिंग्स होने जा रही है 24 जून को, तो अभी आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, आपको पिक्स भी दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट लेके, ताकि आप तमाम स्टूडेंट को जो है यकीन हो जाए। आज की मीटिंग के अंदर क्या क्या फैसले किए गए हैं वो भी आपको बता देता हूँ। फैसले किए गए हैं आप लोगों के वकेशन के बारे में और साथ साथ आप लोगों के निसाब के बारे में, क्योंकि इस साल पहले ही आपके 4 मंथ ज़ाया हो चुके हैं, तो इस साल के अंदर क्या क्या निसाब के अंदर चेंजिंग की जाएगी, ये सारा कुछ जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। कंबाइंड इम्तिहानात के बारे में जो है वो फैसले किए गए हैं, तो प्लीज़ तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि आपके जितने भी कन्फ्यूजन हो आपके एजुकेशन के रिलेटेड स्टूडेंट वो साथ साथ दूर होती रहे। उससे पहले मेरे जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग चैनल को रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब करें, और साथ जो नोटिफिकेशन बेल लगी होती है तमाम स्टूडेंट ने उस बेल को ज़रूर दबा लेना है, ताकि स्टूडेंट जैसे ही मैं इस तरह की एजुकेशन के बारे में कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तमाम स्टूडेंट को उसी वक्त मिल जाए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को आपके निसाब के बारे में बताता चलूँ, आपका जो निसाब है आपका सिलेबस वगैरह जो है वो भी 1 क्लास से लेकर ऑनवर्ड जितनी भी क्लासेज हैं उनका चेंज कर दिया गया है। अब ये चेंज क्यों किया गया है अभी आपको बताते हैं। चेंज स्टूडेंट्स इसलिए किया गया है, उनका कहना था कि 4 मंथ पहले ही जब छुट्टियाँ हो चुकी हैं और अब जो है फिर से ज़्यादा वोकेशन हो रही हैं, तो इस हवाले से स्टूडेंट्स जब अगले साल पेपर देंगे तो सिलेबस जो है वो ज़्यादा होगा, तो किस तरह जो है वो स्टूडेंट्स तैयारी करेंगे, तो इस हवाले से उनका कहना था कि हम लोग जो है अपने पास से सिलेबस इस दफ़ा जो है वो लहदा जनरेट करके देंगे। तो आपको साइड पर दिख भी जाएगा, आपको मैं रीड करके बता देता हूँ ताकि आपको जो है अच्छे तरीके से सारा कुछ समझ आ जाए। देखिए लिखा हुआ है, स्कूल खुलने पर तुलबा को महदूद निसाब पढ़ाने का फैसला, 3री जमात तक सिलेबस स्लिप्स मुंतखब 4 माह से स्कूल बंद हैं, 3री क्लास तक उनका कहना है सिलेबस बना लिया गया है, बाकी क्लासेज का इंशाल्लाह ताला जल्द जल्द बना के जो है वो तमाम स्टूडेंट के लिए भेज दिया जाएगा, जब स्कूल खोले जाएंगे तो वो सिलेबस जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा, पिछला सिलेबस आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। कहना था तलीमी साल में 2040 से जायद दिन होते हैं, मगर कोरोना वायरस के अलावा आप लोगों की समर वेकेशन के बारे में, पहले आप लोगों की समर वेकेशन जो थी हुकूमत ने कहा था कि आपकी समर वेकेशन जो है वो 15 जुलाई तक फाइनल की गई थी, लेकिन 1-2 दिन से फिर से कहा जा रहा था आपके तलीमी इदारे दोबारा खोले जाएंगे, तो इस हवाले से मुरादरा साहब ने फिर से जो है वो वाज़ेह ऐलान कर दिया, जो आज मीटिंग भी हुई थी उसके अंदर उन्होंने ऐलान किया है कि अभी हम किसी भी किस्म का तलीमी इदारा जो है वो नहीं खोलेंगे, अगस्त से पहले जो है वो आपका कोई भी तलीमी इदारा नहीं खुलेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो उसके अंदर बता दिया था, क्योंकि मुल्क के अंदर हालात ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, हमें नहीं पता चलता कि जो है वो हालात ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि मीडिया को उन्होंने कंट्रोल कर लिया, मीडिया इस बात को जो है वो ज़्यादा नहीं उछाल रहा अब ये वायरस की वजह से, ठीक है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करें इस बात को, आपके तलीमी इदारे जो हैं अब मीटिंग के अंदर बताया गया है कि आपके तलीमी इदारे जो हैं स्टूडेंट्स वो बंद कर दिए गए हैं 15 अगस्त तक। दैन स्टूडेंट्स उसके बाद डिस्कशन की गई थी जो कंबाइंड स्टूडेंट इम्तहान दे रहे थे, तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं सर कंबाइंड स्टूडेंट्स का बताएं, कंबाइंड स्टूडेंट का बताएं, तो कंबाइंड स्टूडेंट का यही बताया गया था कि आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा, क्योंकि वोकेशन जो है वो भी ज़्यादा कर दी गई हैं, तो अब आपका किसी किस्म का इम्तहान जो है स्टूडेंट्स नहीं लिया जाएगा, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा जो स्टूडेंट्स कंबाइंड इम्तहान दे रहे थे। लेकिन उनका कहना था अगर आप लोग इम्तिहान देना चाहते हैं तो आप लोग फिर अगर नवंबर के अंदर जाके इम्तिहान दे सकते हैं, अगर आप लोग देना चाहें तो हम पॉलिसीज़ जो है वो बना देंगे, अगर आप लोग अपने इम्तिहान जो है वो देना चाहते हैं या अपने नंबर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप लोग नवंबर के अंदर इम्तिहान जो है वो दे सकते हैं, नहीं तो आप लोग जो है फिर नेक्स्ट ईयर ही अपने इम्तिहान देंगे। तो ये सारा कुछ जो है स्टूडेंट्स आज की मीटिंग के अंदर डिस्कस किया गया है, इंशाल्लाह आगे भी जो है 1-2 मीटिंग्स और होने वाली हैं, उन मीटिंग्स के अंदर बहुत कुछ डिस्कस होने वाला है, आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम जो है उनको कंपाइल कर लिया जाएगा इंशाल्लाह। स्टूडेंट जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है साथ ही वीडियो क्रिएट करके आप लोगों के लिए उसी वक्त अपलोड कर दी जाएगी, तो तमाम स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है आप लोगों ने चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ जो नोटिफिकेशन बेल लगी होती है आप तमाम स्टूडेंट ने उस बेल को भी जरूर दबा लेना है, ताकि जैसे मैं इस तरह की स्टूडेंट्स एजुकेशन के बारे में कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तमाम स्टूडेंट को उसी वक्त मिल जाए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ यू, लव इट ऑल, बाय बाय। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट को अपनी हिफाजत के अंदर रखे और तमाम स्टूडेंट्स को तौफीक ता फरमाए कि हम जितने भी नेक्स्ट तलीमी सरगर्मियाँ हैं उनको अच्छे तरीके से सरंजाम दे सकें।